नमस्कार दोस्तों, फाइटिंग कोरोना फ्रूट सीरीज के 195th एपिसोड में मैं तेजपाल आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो ट्यूटोरियल है वो है मैंने प्यार किया मूवी का, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। दोस्तों इसका ट्यूटोरियल मैं पहले भी दे चुका हूं, लेकिन वो क्या है, वो हाई ऑक्टेव में था जिससे कि कई लोगों को उसमें परेशानी थोड़ा हो रहा था, और उसमें मैंने आपको इनिशियल इंट्रोडक्शन वाला ट्यून भी नहीं दिया। तो आज हम देखते हैं इनिशियल इंट्रोडक्शन की ट्यून के साथ लो ऑक्टेव में। ठीक है दोस्तों, पहले उसको हाई ऑक्टेव में दिया था, वो कुछ इस तरह से था, नीचे शुरू हो रहा था, हाई मतलब मिडिल ऑक्टेव के नीचे शुरू हो रहा था। ठीक है, तो और आज जो है मैं उसको ग से शुरू करके दूंगा जिससे कि आपको ज्यादा हाई ऑक्टेव में ना जाना पड़े। ठीक है, शुरू का जो हमिंग वाला पार्ट है वो हो हो ला 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 कुछ इस तरह से है, तो उसको आपने देखिए पॉज से उसको सा उठाना चाहिए। एक बार मैं इसको बजा लेता हूं, बहुत सिंपल है। ठीक है, आपने क्या करना है, दो लाइन में इसको बताऊंगा। फर्स्ट लाइन पॉ से सा उठाना, मतलब पॉ का पता नहीं चलेगा, सीधे सा से उठाना है इसको, सा प, और इसको लंबा खींचना है प सा प। ये जो प है शुरू का बहुत कम टाइम के लिए, तो इसको मैं इसको आपको ब्रैकेट में दिखा रहा हूं। ठीक है, प सा प, प पहले मंद्र सप्तक का और फिर सा और फिर प हाई ऑक्टेव का, प ध प म ग रे सा, प ध प म ग रे सा। और फिर रे गरे। ठीक है, पूरी लाइन देखिए, ध प म ग रे सा रे गरे रे गरे रे गरे। ठीक है, सेकंड लाइन ग रे, अब वापस आना क रे सा ध प। ठीक है, पध पध रे सा पध, और फिर सा का सा से टच करते हैं बहुत कम टाइम के लिए सा, इसको भी ब्रैकेट में दिखा रहा हूं, पध सा रे सा। और फिर जैसे ये खत्म होता है उसके बाद आठ बार ये ग म ग 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
और उसके बाद गाना शुरू। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी था। शुरू की जो दो लाइन इनिशियल म्यूजिक वाली है, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आई। इसमें जो स्वर लग रहे हैं प ध, ये मंद्र सप्तक के, ठीक है। उसके बाद सारे मिडिल ऑक्टेव आए, लो ऑक्टेव के सिर्फ प ध, बाकी सारे ग म प ध, ये आपके हाई ऑक्टेव, सॉरी मिडिल ऑक्टेव के। हाई ऑक्टेव का इसमें कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैंने इसको सिंपल रखने के लिए स्केल चेंज करके आपको इसका ट्यूटर दे रहा हूं। तो आइए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं फर्स्ट स्टैंजा इसका। बहुत ही छोटा सॉन्ग है और बहुत ही मेलोडियस तो है ही, एंड आपने क्या ध्यान रखना है इसमें, इसको और खूबसूरती बनाने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें गमक का जो यूज है वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये क्या है, गरेगा,
सादा सादा इस तरह का इसमें यूज है, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप जैसे फर्स्ट लाइन देखिए, दिल दीवाना, ठीक है, दिल दी, दी में मैं क्या कर रहा हूँ, दिल दिल दी, ये दी में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको गमक के साथ में इसको रेगरे कर रहा हूँ, और इसमें सादा सादा धसा धसा, ठीक है, फर्स्ट लाइन, ठीक है, नोटेशन गरे 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 सा, गरे गरे सा, दिल दीवाना, और ना में धप धप, बिन सजना के सेम रिपीट होगा, माने ना सारे रे ग, ये थोड़ा सा मीट के साथ, माने ना ठीक है। अब पूरी लाइन देखिए, फर्स्ट लाइन, माने ना पो, पो पे लैंड करेंगे, माने ना, सेकंड लाइन, ये पगला है, रे सा रे सा ध ध, प का खंड ले लीजिएगा ऐसे, ठीक है, और पग ला में आपने इसको ध धा सा धा कर दिया, ये समझाने से रे सा रे सा ध प ध, समझे ना प ध रे सा सा, और लास्ट में रेगा, ठीक है, पूरी लाइन देखिए, रेगा, रेगो ब्रैकेट में दिखा रहा हूं, रेगा, ठीक है, फिर धक धक बोले इत उत डोले, सेम यही स्वर रिपीट होंगे। नाउ वी मूव टू दी पैरा टू, दैट इज दी अंतरा पोर्शन, आप उसको, हाँ, उसमें भी ज्यादा हाई ऑक्टेव में नहीं जा रहे हम, चार बारी अगेन वही धुन रिपीट होती है, ठीक है, दुनिया मांगे अपनी मुरादें, मांगे मुरादें, यहां पे गमक का यूज है, साधा रेसा, सा 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 धा रे सा, ये रेसा बहुत जल्दी आएगा, ठीक है, इसी के ब्रैकेट में सेम, सा 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 साधा रे सा, सा 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 साधा रे सा, मैं तो मांगू साजन, वैसे हल्का सा रे को जस्ट स्टार्टिंग के लिए चाहिए, मैं तो मांगू रे सा 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 प ध ध प, रे सा 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 प ध ध प, साजन साजन, ठीक है, अब पूरी लाइन देखिए,
ठीक है, रहे सलामत मेरा सजना और सजना का आंगन, ये सेम स्वर मुखड़ा वाले रिपीट होते हैं, सॉरी मुखड़ा नहीं, अंतरा का जो फर्स्ट हाफ था उसका रिपीट है। इसके सिवा दिल रब से कुछ भी चाहे ना, ये वाला मुखड़ा का रिपीट है। मुखड़ा का जो सेकंड लाइन था वो सेम रिपीट हो जाएगा, ये पगला है समझाने से समझे ना। तो दोस्तों आई होप मैं इसको सिंपल तरीके से आपको बता पाया हूँ, ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस कीजिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट, आप इसको जरूर सीख जाएंगे।